सीताराम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम, जय वालई सरकार। तो इस समय दोस्तों मैं हूँ बागेश्वर धाम मंदिर के काफ़ी नज़दीक में, और दोस्तों आप लोगों को आज काफ़ी नज़दीक से बालाजी के दिव्य अलौकिक दर्शन में करा रहा हूँ। आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों कल 21 तारीख है और 21 तारीख से लेकर 29 तारीख तक धाम पर पूज्य सरकार नहीं रहेंगे। बहुत ही विशाल एक पैदल यात्रा निकल रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो चलिए देख सकते हैं, इस साइड से बालाजी के दर्शन करने के लिए भक्त आ रहे हैं। आप लोग दर्शन कीजिए, इसके पश्चात फिर आप लोगों को जानकारी में देने वाला हूँ। तो जय सियाराम दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने अभी इंट्रो में देखा, बागेश्वर बालाजी के दिव्य अलौकिक दर्शन आप लोगों को मैं करवाया। आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, आप लोगों को आज पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। पहले तो आप लोग देख लीजिए, ये बागेश्वर धाम मंदिर का प्रवेश द्वार है, और ये जो लाइन लगी है दोस्तों, सुबह का टाइम है, सिद्ध अभिमंत्रित भभूति लेने के लिए सभी भक्त पुराने वाले श्री राम दरबार में जा रहे हैं। तो देखिए कितना बहुत ही सुंदर दृश्य है, और आज तारीख हो चुकी है 20 नवंबर, दिन बुधवार का है। तो दोस्तों ये बागेश्वर धाम मंदिर का प्रवेश द्वार है। साइड में आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर मुग्धा रखा हुआ है बालाजी का, और यहाँ पर दर्शन करने के लिए काफ़ी सारे भक्त बैठे हुए हैं। कुछ भक्त यहाँ पर देख सकते हैं कि सुंदर का पाठ भी कर रहे हैं और हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं। और आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि देखिए पैदल यात्रा की तो वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलेगी। साथ में आप लोगों को जानकारी हम देने वाले हैं कि पूज्य गुरुदेव जी, देखिए आज तो धाम पर दरबार नहीं लगाएंगे, कल ही बोल दिए थे कि हम दरबार कल नहीं लगाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी तैयारियां पैदल यात्रा की अभी कुछ रह गई हैं। वैसे तैयारियां तो काफ़ी दिनों से चल रही हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, और कल दिन गुरुवार का रहेगा, और बहुत ही भव्य विशाल पैदल यात्रा बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा धाम तक निकालने वाले हैं पूज्य सरकार। पूरा तैयारियाँ हो चुकी है, और ये जो लाइन देख रहे हैं दोस्तों, सभी भक्त कितने प्यार से जा रहे हैं सिद्ध अभिमंत्रित भभूति लेने के लिए। जब भी आप बागेश्वर धाम आएंगे तो आप लोगों को भी कुछ इस प्रकार से ही लाइन लगा के निःशुल्क सिद्ध अभिमंत्रित भभूति मिलती है, आप लोग लेके अवश्य जाइएगा। और चलिए अब मैं देरी ना करते हुए आप लोगों को यहाँ से भी, क्योंकि ये वाला जो रास्ता है काफ़ी दिनों से जो बंद था, ताला यहाँ पे लगा हुआ था, क्योंकि मंदिर प्रांगण में काम चल रहा है और अभी भी कंटिन्यू चलता रहेगा काफ़ी दिनों तक। तो देख सकते हैं इस साइड का जो गेट है फिलहाल खोल दिया गया है, ताकि जो भक्तों का जनसैलाब बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों, तो उस वजह से सभी साइड से भक्त बालाजी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो कार्यालय क्रमांक 2 के पास से रेलिंग हो या फिर ये जो मंदिर का मेन प्रवेश द्वार है यहाँ से भी। तो हम भी चलते हैं, और यहाँ से ही हमको काफ़ी थोड़ा नज़दीक में पड़ेगा बालाजी के दर्शन करने के लिए, और आप लोगों को भी बस दोस्तों कुछ ही मिनटों के बाद हम बालाजी के दिव्य अलौकिक दर्शन इस वीडियो में कराने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने अभी इंट्रो में किया। और साथ में दोस्तों आपने देखा होगा कि बागेश्वर धाम में प्रेतराज सरकार का भी पेड़ है, जिसको छूने से आपके शरीर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो उसमें एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है उस पेड़ को छूने पे, तो वो वाला पेड़ भी दिखलाएंगे इस वीडियो में। ये बागेश्वर धाम की यज्ञस्थली है, और ज़्यादा भीड़ तो फिलहाल तो दोस्तों आज मैं बोल रहा हूँ कि कल की अपेक्षा कल मंगलवार का दिन था, क्योंकि काफ़ी सारे भक्त पेशी करने के लिए पहुँचे हुए थे बागेश्वर धाम में, तो आज थोड़ा हल्की सी कम भीड़ है। और आप लोग देख पा रहे हैं कि काफ़ी नज़दीक में मैं यहाँ पर पहुँच ही चुका हूँ, और इसके बाद सीधे आप लोगों को दिव्य अलौकिक दर्शन भी करवाऊँगा बालाजी के। और दोस्तों आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी का जो आगामी कार्यक्रम है दिसंबर के महीने में कहाँ पर होने वाला है, धाम पर पूज्य सरकार कब उपस्थित रहने वाले हैं, पुरानी पेशी का दरबार कब लगेगा, सभी डिटेल आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो काफ़ी नज़दीक में मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, देख सकते हैं आप लोग, और बड़े बड़े पिलर यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। हमारे जस्ट सामने बागेश्वर बालाजी का मंदिर है, साइड में ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है महादेव का मंदिर है।
तो आप लोगों को यहाँ से तो थोड़ा मैं जूम करके दिखला रहा हूँ, इसके पश्चात आप लोगों को काफ़ी नज़दीक से बालाजी के दिव्य बलों के दर्शन कराऊंगा। देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। फिर भी आप लोगों के लिए दोस्तों, जो भक्त घर बैठे ही वीडियो देखते हैं उनके लिए ही ये वीडियो शूट करके मैं लाया हूँ, ताकि आप लोग घर बैठे ही बालाजी के दिव्य बलों के दर्शन कर सकेंगे। चलिए थोड़ा इधर का आइट साइड का मैं दृश्य दिखला देता हूँ, इसके पश्चात आप लोगों को सीधे बालाजी के दर्शन कराऊंगा। तो ये देखिए, बालाजी के दर्शन करने के लिए इस साइड से भी भक्त आ रहे हैं। मतलब एक प्रकार से कहें कि ये जो पूरा क्षेत्र है, देख सकते हैं कितने बड़े विशाल रूप से यहाँ पर तैयार हो रहा है। और बाहर से भी जो मार्बल पत्थर वगैरह आए हैं, यहाँ पर अनेक प्रकार की कलाएं उसमें उभेरी जा रही हैं पत्थर पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि संगमरमर के पत्थर में किस प्रकार की कला, जो कला है, बाहर से भी कारीगर आए हैं। और चलिए इसके बाद आप लोग बालाजी के दर्शन कर लीजिए सीधे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बागेश्वर बालाजी सरकार को प्रणाम कर लिए होंगे, सन्यासी बाबा को। इसके बाद इधर से थोड़ा हम चलेंगे आगे की ओर। तो आप लोगों को जो प्रेतराज सरकार का पेड़ मैं बतलाया हूँ, आप लोगों को इस वीडियो में दिखलाता हूँ। आप लोग दूर से ही दोस्तों, आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाया हूँ, ताकि जो भी भक्त धाम पर नहीं पहुँच पाए हैं फिलहाल अभी बागेश्वर धाम में, तो वो घर बैठे ही दर्शन कर सकेंगे। तो आप लोग एक बार और प्रणाम कर लीजिए। और ये देखिए, यहाँ से कुछ इस प्रकार का, देखिए यहाँ पर सभी जो जिनको प्रेत बाधा है, ये प्रेतराज सरकार का पेड़ है। बहुत ही चमत्कारी पेड़ है दोस्तों, बागेश्वर धाम में आप लोगों को मंदिर के जस्ट बगल में ही देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, काफ़ी सारे जो भक्त हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इधर से ही दर्शन करने के पश्चात हम बाहर की तरफ तो निकल चुके हैं। और ये देखिए, आप लोग भी जिनको भी अगर प्रेत बाधा है, तो वो एक बार यहाँ पर आके अवश्य उस पेड़ को, प्रेतराज सरकार का पेड़ है जो चमत्कारी पेड़ है, बहुत ही ज़्यादा आके उसमें लिपट जाइएगा, छूइएगा, एक अलग सा करंट और एक अलग सी अनुभूति आप लोगों को होंगी। तो हम काफ़ी नज़दीक में हैं दोस्तों, और ये सामने जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये बड़ा वाला परिक्रमा मार्ग है। देख सकते हैं काफ़ी ऊंचाइयों पे बागेश्वर धाम मंदिर है। ये देखिए इधर से, ये देखिए पूरा दृश्य आप लोगों को दिखला रहा हूँ। इधर ये सन्यासी बाबा का स्थान है सामने पे, और सामने देख सकते हैं कि हम थोड़ा इधर काफ़ी नज़दीक वहाँ से थोड़ा दूरी इधर आ चुके हैं। और इधर से आगे बढ़ते हुए आप लोगों को पूरे बागेश्वर धाम का दृश्य दिखलाते हैं। और अब इसके पश्चात दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ जानकारी ही मैं देने वाला हूं, कल से पैदल यात्रा निकलेगी। और फिलहाल देख सकते हैं काफ़ी सारे भक्त परिक्रमा लगा रहे हैं। 21 परिक्रमा लगाना बहुत ही अनिवार्य रहता है बागेश्वर धाम में, जब भी आप पहली बार आते हैं। कंटिन्यू दोस्तों आप लोग पेशी कीजिए बागेश्वर धाम में, महीने में 1 से 2 बार आइए, आपका पर्चा बने या ना बने आप लोगों की समस्या का निवारण अवश्य होगा। लाखों भक्तों की बिगड़ी बनती है, आप लोगों की भी बनाएंगे बागेश्वर बालाजी सरकार। तो काफ़ी बड़ा परिक्रमा मार्ग तैयार हो चुका है बागेश्वर धाम में। पहले तो दोस्तों मेरे को लगता है 15 से 10 चौड़ाई में के मामले में बात करूं, 20 से ज़्यादा वो फुट का था, और अभी तो काफ़ी बड़ा बन चुका है एक हाईवे के बराबर। और काफ़ी सारे भक्त देख सकते हैं, सन्यासी बाबा का स्थान है, इधर पर बैठ कर पूजा पाठ कर रहे हैं। इधर से हम थोड़ा आगे निकलेंगे तो आप लोगों को अब बाहर की तरफ ही दृश्य दिखलाएंगे। और बाहर हम निकल चुके हैं, ये देखिए इस साइड वाले स्थान से आ चुके हैं। यहाँ बाहर की तरफ ही दोस्तों प्रसादी वगैरह चढ़ाया जाता है, जब आप बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने के पश्चात बाहर निकलेंगे। तो बाहर की तरफ ही देखिए कितनी भीड़ है। और यहाँ से अब मैं रिटर्न होते जा रहा हूँ, आप लोगों को दिखलाऊँगा कि जहाँ पर पूज्य सरकार दरबार लगाते हैं, बागेश्वर धाम सरकार का कार्यालय कौन कौन सा कहाँ पर है, सिद्ध किया हुआ नारियल कहाँ पर मिलता है, उसकी भी जानकारी आप लोगों को दूंगा। नए पर्चे का दरबार कब लगने वाला है, पुरानी पेशी का दरबार कब लगेगा, 10 दिसंबर को दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जिन भी भक्तों का पर्चा बना हुआ है, उनके पर्चे में पूज्य गुरुदेव जी पेशी चढ़ाते हैं, तो 10 दिसंबर को पूज्य सरकार आगामी या पुरानी पेशी का दरबार लगाएंगे। कल रात्रि में ही अनाउंसमेंट हो चुका था। और हम सीधे अब चल रहे हैं कार्यालय क्रमांक 2 के पास में, क्योंकि कार्यालय क्रमांक 2 में दोस्तों आप लोगों को गुरु दीक्षा से लेके जो भी जानकारी है, सिद्ध किया हुआ नारियल निशुल्क मिलता है, समस्त जानकारी आप लोगों को कार्यालय क्रमांक 2 के पास से ही मिल जाएगी। तो हम आ चुके हैं कार्यालय क्रमांक 2 के पास में, और यहाँ पर देख सकते हैं कि सिद्ध किया हुआ नारियल निशुल्क मिलता है, पर यहाँ पर
अगर आप रेड कलर के कपड़े में बंधवा के लेते हैं तो उसका 10 रुपये शुल्क आप लोगों को देना पड़ेगा। लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन आप लोगों को बंद करना पड़ेगा दोस्तों, जब तक आप लोगों की अर्जी स्वीकार नहीं हो जाती और आप लोग जीवन भर के लिए भी छोड़ दें तो कितनी बड़ी बात है ना। खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऐसा नहीं कि हम लहसुन प्याज के ही माध्यम से ही खाना खाएं या मांस मदिरा का सेवन करें ही तो हमारा जीवन चलेगा। प्रकृति में तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हम अगर किसी जीव की हत्या करके अपने भोजन की थाली सजाते हैं तो क्या मतलब, उनको भी तो जीने का अधिकार है ना। तो इसलिए आप लोग लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन पूर्णतः बंद कर दीजिए। मदिरा की मैं बात करूँ तो बहुत ही खतरनाक है वो चीज़, घर गृहस्थी बर्बाद हो जाती है भाई उससे। आप लोग अगर जो भी भक्त हैं और मेरी बात अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, वैसे तो मैं आप लोगों को सही अच्छी सलाह ही दूंगा, आप लोग बंद कर दीजिए ताकि आप लोगों के घर परिवार ही सुख रहे। क्योंकि इन सभी चीज़ का सेवन करने से ना घर में एक प्रकार गलत माहौल बनता है, चाहे बच्चे से लेके हो चाहे फिर बूढ़े से लेके हो, गलत प्रभाव पड़ता है। तो आप लोगों के ऊपर है, मेरा काम तो भाई बतलाने का है। जो भी भक्त देख रहे हैं बागेश्वर धाम की वीडियो और बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं तो आप लोग इस नियम का पालन अवश्य करिएगा। बाकी जानकारी आप लोगों को देता हूँ, कल सुबह 7 बजे का टाइमिंग तो दिया गया, आप देखते हैं कि बागेश्वर धाम से पैदल यात्रा कितने बजे निकाली जा रही है। बहुत ही विशाल पैदल यात्रा है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन हो सकता है आज बस चालू रहे पैदल यात्रा का। जो भी भक्त अगर पैदल यात्रा में जाना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है बागेश्वर धाम सरकार के कार्यालय क्रमांक 5 से, होटल बांके बिहारी जो आपने देखे होंगे, जहां पर पूज्य सरकार दरबार लगाते हैं प्रांगण के पास में बांके बिहारी होटल है, वहां पर जाइए, आधार कार्ड लेके जाइए फ़ोटो कापी और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और हो सके तो एक मोबाइल नंबर भी लेके जाइएगा आपका नाम पता वगैरह लिख के। एक आप लोगों को कार्ड दिया जाएगा, उस कार्ड को दिखा के दोस्तों जहाँ पर भी पूज्य सरकार भोजन प्रसादी की व्यवस्था करवाए हैं वहाँ पर आप लोग को प्रसादी वगैरह मिल जाएगा उस कार्ड के माध्यम से और जो भी सुविधाएं रहेंगी। तो और ये देखिए मैं कार्यालय क्रमांक 1 के पास में यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और ये बालकनी आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ से पूज्य सरकार दर्शन देते हैं भक्तों को। तो हो सकता है दोस्तों, देखिए आज तो दरबार नहीं लगेगा और हो सकता है पूज्य गुरुदेव जी आज बालकनी से सभी भक्तों को दर्शन भी दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि कल की अपेक्षा थोड़ा हल्का सा कम भीड़ है, क्योंकि दिन आज बुधवार का है और यहाँ से थोड़ा हम आगे चलेंगे तो चलिए आप लोगों को दिखलाते हैं कि 11 बजे से और उसके पहले भी प्रसादी मिलना स्टार्ट हो जाता है। मां अन्नपूर्णा भंडारा स्थल पास में ही है, आप लोग देखिएगा दोस्तों, जो भी भक्त आते हैं बागेश्वर धाम में तो प्रसादी अवश्य ग्रहण करिए, निःशुल्क मिलता है। चलिए आप लोग देखिए मां अन्नपूर्णा भंडारा स्थल का बाहर का एक थोड़ा सा झलक, ये बड़े बड़े यहाँ पर टंकी वगैरह रखे हुए हैं और ये मां अन्नपूर्णा भंडारा स्थल है बागेश्वर धाम में। प्रतिदिन दोस्तों लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर प्रसादी वगैरह ग्रहण करते हैं, आप लोग भी आइएगा, आप लोगों को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बागेश्वर धाम सरकार के कार्यालय क्रमांक 5 के पास में ही एक बरगद का पेड़ है, सामने देख सकते हैं पुराना वाला श्री राम दरबार जस्ट बगल में कार्यालय है, यहाँ से ही आप लोगों को सब कुछ दिखाई दे देगा। और आप पहली बार बागेश्वर धाम आएंगे तो दोस्तों हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोग एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक जाने में आप लोगों को काफ़ी कुछ मदद मिलेगी, है ना। बाकी मेरे द्वारा दोस्तों जो भी जानकारी बताई जा रही है बिल्कुल सही बताई जा रही है। कल से धाम पर पूज्य सरकार उपस्थित 29 तारीख तक नहीं रहेंगे, क्योंकि 29 तारीख तक पैदल यात्रा रहेगी, उसको समाप्त करके दोस्तों पूज्य सरकार 30 तारीख से धाम पर रहेंगे, फिर 2-3 तारीख से शायद कार्यक्रम है, उसकी जानकारी हमको तो अभी फिलहाल नहीं है कि कहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है। फिर धाम पर दोस्तों पूज्य सरकार 8 या 9 तारीख से धाम पर मिलेंगे और दिसंबर के महीने की मैं बात कर रहा हूँ, और 10 तारीख को पुरानी पीसी का दरबार लगाएंगे। फिर जो भी जानकारी रहे आप लोगों को बतलाते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, आप लोग जुड़ जाइएगा। चलिए आप लोगों को दिखलाते हैं कि जहाँ पर पूज्य गुरुदेव भगवान दरबार लगाते हैं वहाँ का क्या दृश्य। देखिए सामने पंडाल वगैरह बनकर यहाँ पर तैयार हो चुक पहले से ही लगा हुआ है बनकर क्या पहले से ही लगा हुआ है काफ़ी सारे जो भक्त आए हुए हैं यहाँ पर रात्रि में विश्राम कर सकते हैं, उनकी व्यवस्थाएँ यहाँ करवा दिए थे पूज्य सरकार। और बागेश्वर धाम दोस्तों आप लोग आते हैं तो अपने साथ ओढ़ने बिछाने के लिए कुछ सामान अवश्य लेके आइएगा, क्योंकि बागेश्वर धाम में थोड़ा अभी ठंडी का माहौल थोड़ा बढ़ चुका है। ये देखिए सभी लोग अभी यहाँ से उठकर बालाजी के दर्शन करने के लिए गए हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है
और आज की इस वीडियो को दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और वीडियो बहुत वायरल कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के, मैं रिप्लाई अवश्य दूंगा दोस्तों। और देख सकते हैं ये पूरा दृश्य आप लोगों को दिखला दिया हूँ। बाकी आप लोगों को अगर कुछ पूछना भी है तो आप लोग मेरे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल के अबाउट सेक्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, फेसबुक पेज की लिंक है, उसमें भी फॉलो करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। जो भी सूचनाएँ रहेंगी तो दोस्तों हम आप लोगों को देते रहेंगे। पूज्य गुरुदेव जी आज दर्शन देंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पूज्य सरकार के दिव्य अलौकिक दर्शन करवाते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल पर जाइएगा, पूज्य गुरुदेव जी से रिलेटेड जानकारी और गुरु जी के दर्शन की वीडियो हम डालते रहते हैं। हम बागेश्वर धाम पर रहते हैं दोस्तों, आप लोग भी आ सकते हैं। बागेश्वर धाम में रुकने के लिए बहुत सारे होटल होम स्टे हैं और दरबार नहीं लग रहा तो दिख रहे हैं कि यहाँ पर भक्त बैठे ही नहीं हैं ज़्यादा। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।